हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कैप्टन असलम। ये मेरा दिल्ली व्लॉग का पार्ट टू है। अगर आप लोग पार्ट वन नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देख लीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये जो आवाज़ है, पंछियों की आवाज़ है। मैं आया हूँ कुतुब मीनार में और अभी टाइम हो रहा है सुबह का 10। देखिए, ये है इल्तुतमिस का ग्रेव और इसका दीवार में काम देखिए। ये सेल्जुक डायनेस्टी का है और ये ग्रेव है सुल्तान इल्तुतमिस का। और इसका ऊपर में छत नहीं है, एक्चुअली बन रहा था, दो बार टूट चुका है। एरिया में सुल्तानेट पीरियड का आर्किटेक्चर ऑफ स्कल्पचर ज़्यादा है। ये देखिए सामने, ये है आयरन पिलर। रुकिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ। हाँ, ये आयरन पिलर जिसमें अभी तक कोई रश नहीं जमा है, हालांकि ये बहुत ही पुराना है, नियर अबाउट 2000 साल से भी ज़्यादा पुराना है। और ये सुल्तानी पीरियड का दरबार हॉल टाइप का लग रहा है। ये देखिए, ये भी बहुत पुराना है, नियर अबाउट 800 साल पुराना है, कुतुबुद्दीन ऐबक मतलब 1200 में। और ये रहा इसका पीछे द ग्रेट कुतुब मीनार। अब सूरज है, सूरज की वजह से ये अंधेरा दिख रहा है। मीनार 5 स्टोरे है जो सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किए थे और फिरोज शाह तुगलक ने ख़त्म किया। और ये 238 फीट ऊंचा है। ये इंडिया का हाईएस्ट टावर है और इसमें 379 स्टेफ है। पर हैरानी की बात ये है कि ये इतना ऊंचा है फिर भी ताजमहल से 5 फीट इसकी ऊंचाई कम है। ताजमहल है 243 फीट का और ये है 238 फीट का। और ये कुतुब मीनार के सामने आपको मिल जाएगा एक ग्रीनरी, एक बहुत ही खूबसूरत खुला हुआ स्पेस। कुतुब मीनार बहुत बड़ा एरिया है, ये घूमने के बाद आप लोग यहाँ पर आके रेस्ट ले सकते हैं। ये सच में बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल प्लेस है जो 800 साल से भी ज़्यादा पुराना है और अपना भारत का इतिहास कैरी कर रहा है। ये है ईसा खान स्टोम जो हुमायूं स्टोम के सामने है। ईसा खान बादशाह शेरशाह सूरी के दरबार में एक नोबल थे। ये है हुमायूं स्टोम का एंट्रेंस गेट। ये है हुमायूं स्टोम जो मुग़ल टाइम में ताजमहल से पहले बनाया गया था। बादशाह हुमायूं की बीबी हमीदा बानू बेगम ने ये टोम बनाई थी। चलिए, मैं पूरा एरिया आपको सैर कराता हूँ। ये बहुत बड़ा एरिया है और हुमायूं स्टोम में ज़्यादातर मुग़ल टाइम के बादशाहों का और शहजादाओं का कब्र यहीं पर है। नियर अबाउट 100 से भी ज़्यादा कब्र है हुमायूं स्टोम में। और ये जो हुमायूं स्टोम है, ये पूरा रेड सैंडस्टोन से बनाया हुआ है। और इस टाइम का ज़्यादातर जो आर्किटेक्चर है वो रेड सैंडस्टोन से ही बनाया हुआ था और ताजमहल से वाइट सैंडस्टोन यूज़ होना शुरू हुआ है। जैसे कि ताजमहल सफ़ेद कलर का है क्योंकि वहाँ पर वाइट सैंडस्टोन यूज़ हुआ है। और ये जहाँ पर मैं जा रहा हूँ यहीं से मैं ऊपर आया था। ये देखिए, ये जो नीचे का सीढ़ी देख रहे हैं आप, यहीं से अगर आते हैं आपको चढ़ के ऊपर में आना पड़ेगा। और ये टोम के अंदर बादशाह हुमायूं का कब्र है। और ये चार पास का नज़ारा देखिए, ये चारों तरफ बहुत खूबसूरत एक बाग है और पूरा एरिया बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। जब आप लोग यहाँ पर आएंगे तो ज़्यादा टाइम लेके आइएगा क्योंकि ये तो घूमने में थोड़ा टाइम लगता ही है और यहाँ पर बैठने के भी बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए, ये सब कब्र है। ऐसे ही चारों तरफ आपको बहुत सारे कब्र मिलेंगे।
और ये टोम का सामने वाला पोर्शन है। ये चारों तरफ आपको ऐसे ही कब्र देखने को मिलेगा और टोम के अंदर भी बहुत सारे कब्र हैं। और वो जो दूर में वो टोम का गेट दिख रहा है, उसी गेट से हम लोग अंदर आए थे। ये रही एंट्रेंस गेट। और इस टोम के बाहर आपको ईसा खान टोम और ईसा खान मॉस्क भी मिल जाएगा। तो ये है बादशाह हुमायूं का कब्र जो इस टोम के एकदम बीचों बीच में है। और ये महल का अपर वाला पोर्शन मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। यहाँ ये जो चीज़ है ये ऊपर से झूला हुआ है जो बिल्कुल कब्र के ऊपर में ही है। ये लैम्प के जैसा दिख रहे हैं आप। और ये चारों तरफ देखिए कुछ ऑक्टागोनल शेप का है। ये अंदर में बहुत पिजियन है वैसे। और ये देखिए चारों तरफ एक जैसा ही लग रहा है। और ये है बादशाह का कब्र। और ऐसे ही चारों तरफ बहुत सारे गेट मिलेगा आपको। रुकिए मैं अंदर जा के आपको दिखा रहा हूँ। चलिए चलते हैं। इधर में कुछ नहीं, इधर में कुछ नहीं। हाँ इधर ये देखिए। ओ यहाँ पर तो कब्र है। ऐसे ही बाहर में मैं पढ़ा था कि हुमायूं टोम में नियर अबाउट 100 से भी ज़्यादा कब्र है। तो ये है टोम के अंदर में कब्र सब। और ये साइड का नज़ारा देखिए। और ये यहाँ पर दो कब्र है। चलिए यहाँ से बाहर निकलते हैं। अभी मैं दूसरा जगह पर आया हूँ, मतलब टोम के अंदर में ही हूँ, एक और जगह पे जा रहा हूँ। अच्छा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी 1, 2, 3 कब्र है। और कैसे सिस्टेमेटिक बनाया हुआ है देखिए, जैसे रोशनी आए, हवा आए। ये तो बादशाह कब्र एकदम मिडिल में है। अब चलिए मैं उधर चलता हूँ। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर 1, 2, 3 कब्र है। और यहाँ पर भी आप लोग देख रहे हैं, लाइट आने का जगह है, हवा आने का सिस्टेमेटिक बनाया हुआ है। चलिए मैं दूसरा टाइप जगह जाता हूँ। वैसे मैं जितना भी जगह गया हूँ सब अलग अलग है, किसी के साथ किसी का कोई ताल्लुकात नहीं है। ये मैं एक नया जगह पे आया हूँ। यहाँ पर दो कब्र है। ये सारे उस टाइम के शहजादा या बादशाहों के कब्र सब हैं। बादशाह मतलब मैं पहले 6 बादशाहों का बात नहीं कर रहा हूँ। उन लोग का कब्र तो अलग अलग जगह पर है, बड़े बड़े टॉम बनाया हुआ है, जैसे ताजमहल में बादशाह शाहजहाँ का है। हुमायूं टोम के बाद मैं अभी आया हूँ लोधी गार्डन में। और ये मैं लोधी गार्डन का अंदर घुस रहा हूँ। ये जो आवाज़ आप लोग सुन रहे हैं ये पंछियों की आवाज़ है। यहाँ पर बहुत सारे बर्ड्स हैं इसीलिए इतना ज़ोर से आवाज़ आ रहा है और इससे बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए इसका अंदर चलते हैं। अभी शाम हो चुकी है, वैसे आज मैं बहुत सारा जगह घुमा हूँ और ये मेरा आखिरी है आज का दिन का। चलिए चलते हैं। लोधी गार्डन घुसते ही आपको ये वाला टोम मिलेगा। यहाँ पर बहुत सारे लोग जॉगिंग के लिए आए हैं। ये मैं पीछे का पोर्शन पे आया हूँ। यहाँ पर भी बहुत सारे बिल्डिंग्स हैं। तो ये थी दोस्तों मेरी दिल्ली की घूमने की कहानी। आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और प्लीज़ बताइए कॉमेंट में कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं आप लोगों के साथ अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।